मॉर्निंग गैस मेरी सुबह हो रही है, कूड़े वाले भी आए थे नॉक किया तो नींद खुल गई मेरी। तो यार यहाँ का सिस्टम अलग है, अब जैसे यहाँ कूड़े वाली गाड़ी आती है ना डेली आती है, तो महीने का 100 रुपये बिल लेकर जाती है, जैसे अभी लेकर गई है। यार ये भी सिस्टम सही है, तो फैसिलिटी मिल रही है तो तुम कर सकते हो, हालांकि है गवर्नमेंट का लेकिन रिसिप्ट वगैरह सब देते हैं। ठीक है दे दिया है। तो अभी तो मैं आ गया हूँ छत पे क्योंकि कपड़े देख लूँ यार सूखे हैं कि नहीं सूखे हैं, सूखे नहीं होंगे तो पलट दूंगा ना, धूप तो तेज आ रखी है यार बहुत। यार स्टिल सूखे तो नहीं है लेकिन इन सबको पलट देता हूँ एक बार, तो जल्दी सूख जाएंगे। तो यार कभी अगर मैं ब्लॉग में बोलता हूँ कि मैं किसी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि मैं किसी लड़की से मीटिंग करने के लिए जा रहा हूँ, मतलब कोई डेट पे जा रहा हूँ। कल मुझसे मेरा एक दोस्त पूछता है यार तुम बड़ी मीटिंगें कर रहे हो, तुम्हारी बहुत डेटें लग रही हैं। तो मैंने कहा डेट वेट नहीं यार, वो कुछ काम से जाता हूँ, अभी तो फिलहाल जा रहा हूँ दूध लेने के लिए, जैसा कि आपको पता ही है सुबह का। वैसे आज एक नई चीज़ करी थी, आज हमने स्प्राउट्स भिगा दिए थे, तो घर जाके दिखाऊंगा कैसे बीज रखे। आज गाय का रंग बदल गया भाई, दूसरी गाय हो गई, सब जर्सी गाय हैं। जर्सी का मतलब होता है बहुत बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा दूध देती है ऐसी गाय। एट रैंडम कई बार होता है कि लोग मुझसे रोक के पूछने लगते हैं कि भैया आपकी हाइट अच्छी है, कुछ हाइट बढ़ाने के लिए बताओ। जैसे दुकान से जहाँ से मैं लेकर आता हूँ, इसने डिफेंस वगैरह का फॉर्म भरा होगा, कुछ पूछ रहा था कैसे बढ़ाई है। मैंने कहा मेरी तो जेनेटिकली बड़ी है, हर किसी की वैसे ही बढ़ती है, थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स एंड सब एक्सरसाइज का भी इंटेलिजमेंट होता है, तो उसके लिए मैंने कहा कि भाई करते रहो क्या पता बढ़ी जाए। तो मेरे टाइम पे तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी थी कि यार मैं स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंडल्ज रहता था, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा, तो उसकी वजह से भी थोड़ा एडवांटेज मिला मुझे, मेरी हाइट थोड़ी सी बड़ी होगी कंपैरेटिवली, क्योंकि मैं घर में सबसे ही लंबा हूँ और ऐसे ही लगता है मुझे। तो करके देख लो भाई, अगर तुम्हारे लिए फ़ायदा दे तो क्या ही बुरा है। तो यार स्प्राउट्स तो भिगा रखे थे मैंने लेकिन दिखाना भूल गया, लास्ट का बचा हुआ है तो दिखा देता हूँ। ये है इसमें मूंगफली और ये पता नहीं हरी वाली कोई दाल है और ये चने की दाल है, ये तीनों भिगा के आजकल मैं खा रहा हूँ, आज से स्टार्ट किया है तो सही है, एनर्जी देगा बहुत तगड़े से। तो अभी खाने में बना हुआ है चावल और इसके साथ है ये लौकी की सब्ज़ी और इसके साथ थोड़ा सा सलाद और नींबू, बस खा के निपट लेता हूँ। तो आज पूरा दिन ही काम में निकल गया यार, और उसके बाद अभी बस मैं शाम का जो मेरा रहता मैटर थोड़े से चावल, और कितना परफेक्ट बना एकदम गोल जैसा ही बन चुका है यार ये तो ऑमलेट, ये खाऊंगा और फिर उसके बाद एक्सरसाइज के लिए जाऊंगा। उससे पहले मुझे भैया की रिपोर्ट भी लेकर आनी है या फिर एक्सरसाइज के टाइम पे ही ले आऊंगा। फिर निकल आया हूँ मैं शाम के टाइम पे, एक्सरसाइज करने ही जा रहा हूँ लेकिन ये लोअर ही वापस करना था ना, इसलिए आज दूसरे रास्ते से निकल गया हूँ। तुम लोगों ने ये वाला शायद मॉर्निंग व्लॉग्स में किसी में देखा, और सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत दिन से यार सुबह नहीं उठ पा रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि कल से सुबह से उठना चालू कर दूंगा मैं। यार तो एक गड़बड़ हो गई, मैं इसे ले तो आया लेकिन दुकान ही बंद हो रखी है, अब सीधे पार्क ही जाऊँगा, वहीं पे एक्सरसाइज करूँगा उसके बाद निकल आऊँगा, फिर नहीं मिला तो क्या कर सकते हैं यार, जाना ही पड़ेगा ऐसे, अब इसे लाते लाते घूमना पड़ेगा, ये सब थोड़ी दिक्कत हो जाएगी यार। चलो कोई नहीं मैनेज कर देंगे। यार आज का प्लान तो बहुत धांसू था वैसे मेरा, क्योंकि 100वां व्लॉग होगा ये, लेकिन घर के पास ही तुम्हें साउंड तो आ ही रही होगी पीछे से, आज पूरी रात का यही चलेगा, कुछ भजन कीर्तन टाइप है। फिलहाल कुछ ना कुछ तो करना ही था क्योंकि मन था मेरा कुछ करने का, इसीलिए जा रहा हूँ ब्रेड वगैरह लेकर आता हूँ, रात में पता लगेगा आपको क्या स्पेशल है। तो रूम पर बैठने का यार इतना मन सा नहीं कर रहा था, इसीलिए मैं निकल आया बाहर, आज अजीब ही है थोड़ा सा मूड। बचपन में याद है ऐसा करके उड़ाते थे, कहते थे कि पैसे उड़ा रहे हैं हम। तो ऐसी मूड फ्रेश करने के लिए मैं इस तरफ आ गया था लेकिन मन नहीं कर रहा, तो वापस एक दवाई खत्म हो गई थी, थोड़ी बहुत सी बची हुई थी, डॉक्टर ने कहा था 10 दिन की, और फोन पे पता कर दिया था डॉक्टर से, बस दवाई लेने के लिए आ रखा हूँ। यार तो पावर स्विच जो नहीं है उसका 3 प्लग भी खराब हो गया, तो वही ले लेता हूँ अभी जाके दुकान पर। एक होती है भीड़ और एक होती है महाभीड़, तो वही महाभीड़ लगी हुई, जाने का टाइम हो रखा है ना, वही 9:30 बजे का टाइम हो रखा होगा, सबको घर निकलने की जल्दी हो रखी है। काम मुझे भी ये महसूस ना, फ्री पॉकेट में ऐसे घूम रहा हूँ, सेब लेने के लिए आ रखा हूँ, जैसे तुम्हें कुछ सब्जी वगैरह लेनी हो इस समय पे आओगे तो सबसे सस्ती मिलेगी, मतलब बार्गेनिंग नहीं करनी पड़ेगी तुम्हें बहुत ज़्यादा।
भाई बहुत लेट ही हो गया, मैं तो कुछ मिला नहीं है ऐसे में। वैसे ही चले जाता हूँ, कल ले लूँगा आकर। तो यार आज बनी हुई है दाल और एक नंबर बनी हुई है, ऐसी स्मेल इतनी अच्छी आ रही ना। तो रात में निकलने का एक फ़ायदा जो मुझे मिला वो ये था कि टहलना हो गया ऐसी बात है। अब बस घर की तरफ निकल रहा हूँ, कोई काम नहीं है। आज दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ, इधर से जहाँ से भजन वजन हो रहा है ना, देखते हो निकलते क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, पूरी रात होगा कि नहीं होगा। उम्मीद तो पूरी रात की है, यहीं पर हो रहा है जो इसको बुला लिया हो। तो 100वें ब्लॉग के लिए ना ये मैंने स्पेशल किया है इनके लिए कि ब्रेड और अंडा, तो ये खा लेंगे मस्ती से एकदम। तो 100वें ब्लॉग पे मैंने सोचा था कि बहुत ही कुछ बड़ा करूँगा, दिन से एक काम करना था, लेकिन आज वही ना डिसअपॉइंटमेंट रही यार। पूरे दिन काम बहुत किया लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला, इस वजह से अब मैं रात में निकला हूँ बाहर अंडे और ब्रेड लेकर। तो कुत्ते जितने दिखेंगे उनको डालूंगा। अंडे खा लिए लेकिन ब्रेड कोई नहीं खा रहा, तो ये मिल गया था, मेरे साथ जाएगा अभी। बताशे पे सेट कर लिया मैंने, अभी मार्केट चलना है। हाँ ये खिलाने हैं, फेंकेंगे थोड़ा ना, अब खा लो दबा के फिर चलते हैं। इसका नाम है बड़ी, तो देखो चढ़ो, ये अर्जुन है और ये बड़ी है, ये देखो भागा भागा आ रहा है बड़ी। ओए बहुत पिद्दी सा है यार, बड़ी नाम है, हाथ में चाट रहा था अभी बैठ के। अर्जुन और हम बैठे हुए हैं 100वें ब्लॉग के एंड पे। अर्जुन कह रहा था मुझे तो भैया मैं खिलाऊंगा, मैंने इसी को दे दिया। ऐसे देखते ही यार, चलो भाई। लो लो बच्ची है, खत्म ये भूखे थे। दुकान नहीं खुली अभी कोई? हाँ खुली है। चलो चले नहीं आए इनके लिए। देखो करते करते कितने सारे हो गए, 3, 4, 1, 5 हो गए चलते चलते। आओ ये लो देख लो कितने प्यार से खा रहे हैं। बहुत सारे कुत्ते हो गए ना, तो अर्जुन मदद कर रहा है मेरी खिलाने में। अर्जुन बैठे हुए और रात के बज रहे हैं 1। अब देखो हमारे साथ कौन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जॉनी को नींद आ रही है, उसे झटके लग रहे हैं नींद के भी, देखना ये देखो। गुड नाइट। अगला नंबर स्वीटी का, इसको भी नींद आ रही है, देखना ये भी झपकियां लेगी। ये भी गई, 3 डाउन हो गए। जॉनी चला गया है, अच्छा 4 डाउन है, वो भी चला गया। ये एकदम अटेंटिव है। बात करते करते 2 बज गया, पता भी नहीं चला। अब बस जा रहा हूँ अंदर सोने के लिए। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ कल सुबह 10 बजे, तब तक के लिए गुड नाइट।